हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में, जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो सपोज़ हमने कोई कैलकुलेशन किया, जैसे मान लेते हैं कि आपने 20 को डिवाइड किया 3 से, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा? रिज़ल्ट आपको मिलेगा 6.6667। ये आपको रिज़ल्ट मिलेगा जब आप अपने मोबाइल में कैलकुलेशन करेंगे तब। लेकिन आप इसी डिवीज़न को अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 6.666667। फिर उसी तरीके से अगर आप इसी कैलकुलेशन को अगर अपने लैपटॉप में करेंगे तो आपको कैलकुलेशन मिलेगा 6.666667। तो कैलकुलेशन तो एक ही है और उसके आंसर इतने सारे आ रहे हैं, है ना? तीन तरीके के आपको आंसर मिले हैं, तो आप कौन से आंसर को लिखेंगे? इस आंसर को या फिर इस आंसर को या फिर इस आंसर को? तो हमें मेजरमेंट में, जब आपका रीडिंग जो निकल के आया मेजरमेंट में, उसमें पहचानना होता है कि कितना डिजिट तक आपका जो आंसर आया है वो मेरा बिलीव के लायक है ना? इतने डिजिट तक हम लिख सकते हैं, कितने डिजिट तक हम लिख सकते हैं। तो वो जो डिजिट है, जितने डिजिट तक आप लिख सकते हो, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि इस फिगर का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट है, महत्व है, ये भरोसे के लायक है, बाकी जो है वो बेकार है, तो उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेफिनेशन आप देख लीजिए कि द डिजिट इन अ मेजरमेंट विच इज ट्रस्टवर्दी, जिस पे हम भरोसा कर सकें, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हमें आज देखना है। तो सबसे पहला रूल है कि लीडिंग जीरो, लीडिंग का मतलब डिजिट से पहले लगने वाला जीरो, यानी कि नंबर के स्टार्टिंग में लगने वाला जीरो, तो लीडिंग जीरो जो भी होंगे वो इनसिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इनसिग्निफिकेंट का मतलब कि वह भरोसे के लायक नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 0.04 किलोमीटर। तो 0.04 जो दिया है, इसमें स्टार्टिंग के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो किलोमीटर है, तो हमने किलोमीटर में लिखा है इसलिए शुरू में जीरो जीरो लग गया है। इसे हम मीटर में लिखेंगे तो यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, तो जीरो का कोई इम्पोर्टेंस रहा? इस जीरो का कोई इम्पोर्टेंस रहा नहीं ना, तो इस जीरो को हटा करके हम सीधे मीटर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो शुरू के जो जीरो हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो गए, और सिग्निफिकेंट डिजिट हुए सिर्फ और सिर्फ दो। कौन कौन? 5 और 4। तो यानी कि सबसे पहला रूल आप समझ गए कि स्टार्टिंग के जो भी जीरो होंगे, लीडिंग जीरो, वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा नियम ये है कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो लगेगा, जैसे यहां देखिए बीच में जीरो लगा हुआ है ना, 1.012,
जीरो के दाएं तरफ भी वन है, जीरो के बाएं तरफ भी वन है, तो बीच में जहां भी जीरो आ गया, जैसे हम लिख सकते हैं 2032 या फिर 3.4031, इन तीनों डिजिट में देखिए जीरो का जो प्लेस है वो बीच में है। बीच में मतलब कि जीरो के दाएं तरफ भी एक नंबर है जो कि नॉन जीरो है, जो कि जीरो नहीं है। तो वैसे केस में जीरो जो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि जीरो के दाएं तरफ भी कोई नॉन जीरो डिजिट हो और जीरो के बाएं तरफ भी कोई नॉन जीरो डिजिट हो, तो ऐसे जीरो का हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। तो इस केस में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ वो चारों का चारों सिग्निफिकेंट है, वन भी, जीरो भी, वन भी और फिर टू भी, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि हेयर ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल आप समझ गए कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आ गया तो उसे हम सिग्निफिकेंट बोलेंगे। तीसरा नियम ये है कि अगर ट्रेलिंग जीरो होगा तो हम क्या करेंगे। ट्रेलिंग जीरो यानी कि बाद में आने वाला, है ना, लीडिंग मतलब पहले, ट्रेलिंग मीन्स बाद में आने वाला, तो ये ट्रेलिंग जीरो है। तो ट्रेलिंग जीरो के दो कंडीशन है, एक कि जिसमें आपको डेसिमल लगा हो, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे 0.230 है, डेसिमल लगा हुआ है जीरो के बाद, और दूसरा कंडीशन है कि जिसमें डेसिमल नहीं हो, नो डेसिमल पॉइंट। तो पहला हम समझते हैं डेसिमल पॉइंट जिसमें लगा हो। तो जहाँ भी डेसिमल लग गया और डेसिमल के बाद आपका आ रहा है जीरो, बाद में ट्रेलिंग जीरो, तो वो जीरो आपका सिग्निफिकेंट कहलाता है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, जैसे सपोज आपने एक लाइन की लेंथ मेजर करी किसी स्केल से, कोई स्केल लगाया आपने और स्केल से आपने इस लाइन की लेंथ मेजर करी, तो लाइन का जो लेंथ है वो आपने मेजर किया 4.32 और एक लड़के ने मेजर किया 4.30, दो लड़के ने मेजर किया। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए इसमें लगा है 3.2, है ना, तो 3.2 मतलब के पॉइंट के बाद वो जो लिख रहा है तो वो ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र कर रहा है ना, कि वो एग्जैक्ट मेज़र कर रहा है कि कितना इसका लेंथ है। अगर रफली अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 4.3। तो 4.3 तो एक रफ एस्टिमेट हुआ ना, एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए पॉइंट के बाद अगर आपका जीरो लग रहा है, यानी कि एग्जैक्टली 4.30 है, ये एग्जैक्टली 4.32 है, तो पॉइंट के बाद जो जीरो लगता है उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो यहाँ पे इस केस में आप देख लीजिए डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, इसलिए ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाला जीरो। अब हम बात करते हैं जिसमें नो डेसिमल पॉइंट हो, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं हो और लास्ट में जीरो जीरो हो, तो क्या वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो इसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे किसी लड़के ने, किसी आदमी ने आके बोला कि मेरी सैलरी जो है वो 35,000 रुपये है, तो क्या एग्जैक्टली उसकी सैलरी 35,000 होती है, नहीं ना, उसकी सैलरी कुछ 35,213 या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन आदमी रफली इस्टीमेट करके, राउंड ऑफ करके कितना बोलता है, 35,000 है। कोई ऐसे थोड़ी बोलता है कि मेरी सैलरी 35,213 रुपये है ना। एक और एग्जांपल से समझिए, सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे निकले, आपने बोला अपने मित्र को कि मैं सुबह डेली 4 किलोमीटर चलता हूँ, तो 4 किलोमीटर को जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4,000 मीटर,
है ना? तो क्या आप एग्जैक्टली 4,000 मीटर चलते हैं? आप थोड़ा हो सकता है कि किसी दिन आप चाय की दुकान पे चले गए हों, या किसी दिन आप किसी फ्रेंड के यहाँ मिलने चले गए हों, तो एग्जैक्टली तो 4,000 मीटर आप नहीं चलते हैं, लेकिन आप एक रफ एस्टिमेट राउंड ऑफ करके बोलते हैं कि हम 4,000 मीटर चलते हैं, 4 किलोमीटर डेली हम चलते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को राउंड ऑफ कर देते हैं बड़ी जल्दी, इसीलिए हम लास्ट के यानी ट्रेलिंग जीरो को हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट का 3 डिजिट है 0,0,0, ये इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है? अब अगला जो है लास्ट रूल सिग्निफिकेंट फिगर का, सेकंड लास्ट, वो ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मैंने लिखा 3, 2, 5, 3, 2, 4, 2, 1, तो इसमें कोई भी डिजिट जीरो तो नहीं है, सारा का सारा नॉन जीरो है, तो ये पांचों के पांचों आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो नॉन जीरो जो भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, उनका कुछ ना कुछ महत्व होगा। अब अगला जो है हम बात करते हैं पांचवा रूल लास्ट राउंड ऑफ करने की। राउंड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में अगर 5 आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए कि लास्ट में इस एग्जांपल में लास्ट में क्या है 2.4643, है ना? तो हम इसे कैसे लिखते हैं 2.64, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, 3 है ना? तो लास्ट वाले डिजिट को हम इग्नोर कर देते हैं, और इस तरीके से हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं 2.64। ये आप लोग पहले भी करते होंगे। उसी तरीके से यहाँ देखिए इस एग्जांपल में जब लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे 7 है, तो लास्ट वाला डिजिट जब 5 से बड़ा है तो ऐसे केस में हम सेकेंड लास्ट डिजिट को, यानी कि जो इस केस में 4 है, सेकेंड लास्ट डिजिट को 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ये राउंड ऑफ करने का तरीका है। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, और बाकी के डिजिट को एज इट इज लिख देते हैं। और अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो सेकेंड लास्ट डिजिट को 1 हम बढ़ा के लिख देते हैं। ये तरीका है राउंड ऑफ करने का। लेकिन अगर लास्ट वाला डिजिट 5 के बराबर हो तो हम क्या करेंगे? तो लास्ट डिजिट अगर आपका 5 के बराबर होगा तो ऐसे केस में हम सेकेंड लास्ट डिजिट जो होता है उसे हम इवन बना देते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए कि 2.635, लास्ट वाला डिजिट 5 के बराबर है, तो हम सेकेंड लास्ट डिजिट जो कि एक ऑड नंबर है 3, उसे हम इवन बना देंगे और लिख देंगे, तो आपका आंसर होगा 2.64। उसी तरीके से इस एग्जांपल में देखिए लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 है, यानी कि 5 5 के बराबर है, 5 है, तो सेकेंड लास्ट डिजिट इसमें देखिए कि इवन ही है ना, 6 है, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, 5 को इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? तो वैसा केस जिसमें लास्ट वाला डिजिट आपका 5 के बराबर हो तो उसमें हम सेकेंड लास्ट डिजिट को इवन बना देते हैं। ये होता है राउंड ऑफ करने का तरीका।